बेस्ट एक्टर भोजपुरी सिनेमा का कौन है? भोजपुरी सारे अपने अपने एंगल से सारे बेस्ट है, टॉप थ्री हमें तीनों अच्छे लगते हैं, दिनेश लाल जी, पवन जी, केशरी जी, तीनों एक्टर ही हमारी फेवरेट है। ये सबकोर्स क्योंकि ये लोग सबसे लंबा टाइम कंटिन्यूसली अपने फिल्म इंडस्ट्री में टाइम दिया है, तो उनको वर्क को अप्रिसिएट करना, एक्नोलेज करना कंपलसरी। बहुत बहुत थैंक यू आनंद जी, बहुत दिन बाद आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ और अच्छा लगा। ग्रीन सिनेमा एक गेट टुगेदर की जगह है, आके बहुत ही हमें अच्छा लगा। और विजय जी को हम थैंक यू देते, संजय भूषण पटियाल को भी थैंक यू देते, थैंक्स एवरीवन। बॉस कई सारे लोग हैं जिनको अवार्ड मिला, कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अवार्ड नहीं मिल पाया, उन्हें कुछ कहना चाहते हैं? अवार्ड मिला है ये लोग, जिन लोग का मिला नहीं ये लोग नेक्स्ट ईयर के लिए कोशिश रखे, अपना काम के ऊपर फोकस रखे और ट्राई करे जो नेक्स्ट अवार्ड उनको मिलते रहे। बॉस और गेस्ट में कई सारे लोग आए, कई नोटेड लोग आए और सब ने आपको ग्रीट किया, आपसे सब लोगों ने मुलाकात की, मतलब ओवरऑल अगर अवार्ड को हम रेट करें तो कैसा था? ओवरऑल हम 5 में 5 ही देते हैं मार्क्स, कोई कमी नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन। लगातार कई सालों से लगातार जो ग्रीन सिनेमा का अवार्ड शो का आयोजन होता है, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आते हैं, उनकी डांस परफॉर्मेंस होती है, आपको किसी का डांस परफॉर्मेंस अच्छा लगा बॉस? डांस परफॉर्मेंस हमने एक ही देखा है अभी तो, नेक्स्ट ऑलरेडी चल रहा है, आई कैन कंपेयर आगे कौन सी डांस आने वाला, कंपेयर करने के बाद ही बता सकते हैं। तो बेस्ट एक्टर भोजपुरी सिनेमा का कौन है? भोजपुरी सारे अपने अपने एंगल से सारे बेस्ट है, टॉप थ्री हमें तीनों अच्छे लगते हैं, दिनेश लाल जी, पवन जी, केशरी जी, तीनों एक्टर ही हमारी फेवरेट है। अगर ये टॉप ना हो तो यही है, टॉप थ्री यही है। इसके अलावा अगर एक्ट्रेसेस की हम बात करें, एक्ट्रेसेस टॉप थ्री एक्ट्रेसेस अमरूपाली दुबे जी है, अक्षरा सिंह एंड काजल रघवानी टॉप थ्री है। ओके, तो मतलब अगर जूरी अशोक प्रसाद अभिषेक जी को भी माने तो इनमें से किसी को अवार्ड मिलना चाहिए? यस ऑफकोर्स क्योंकि ये लोग सबसे लंबा टाइम कंटिन्यूसली अपने फिल्म इंडस्ट्री में टाइम दिया है, तो उनको वर्क को अप्रिसिएट करना, एक्नोलेज करना कंपलसरी। इसीलिए शायद आपने इन्हीं टॉप थ्री को चुना अपने फिल्म बनाने के लिए? ऑफकोर्स उनके काम की काम को हम एक्नोलेज अगर नहीं करें, फर्स्ट वी नीड टू एक्नोलेज देम फर्स्ट। अच्छा बॉस, आपकी जो प्रोजेक्ट्स हैं फिल्में जो आने वाली थी, आपने तीनों को साइन किया है, त्रिदेव जो भोजपुरी सिनेमा के हैं, थ्री स्टार सुपर स्टार ऑफ भोजपुरी सिनेमा, उनका क्या स्टेटस है? उनका स्टेटस ये है, हम थोड़ा अपना जो फ्लैगशिप बिजनेस आईटी है उसमें थोड़ा इन्वॉल्व है, और ये तीनों मूवी ऊपरला चाहे तो ये 2023 में कंप्लीट हो जाएगा। एक मेगा बजट फिल्म आपने अनाउंस की थी जिसमें आपने कहा था कि हम तीनों स्टार्स को एक साथ कास्ट करेंगे, बजट विल बी इन करोड़। अभी फिलहाल जुलाई तक मेरा कोई प्लान नहीं है, आफ्टर जुलाई आई कैन थिंक अबाउट दैट। ठीक है बॉस, आप कुछ कहना चाहते हैं जो ऑडियंस आपको देख रही थी इंटरव्यू, उन्हें आप कुछ कह रहे हैं मैसेज टू द ऑडियंस? ऑडियंस को हम यही मैसेज देना चाहते हैं, आप लोग इससे पास्ट जो क्राउड था इस बार बहुत क्राउडलेस है, हम चाहते हैं जो डबल की डबल क्राउड रहे, नेक्स्ट ईयर इससे भी डबल क्राउड रहे, और एक गेट टुगेदर है अंडर वन अम्ब्रेला, ऑल कैन गेट टुगेदर गेट अवार्डेड। अच्छा सर, ये जो अवार्ड्स होते हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्यों आज लगातार एक के बाद एक अवार्ड्स होते हैं, और अवार्ड्स जो सालों में एक बार या दो बार देखा जाता था, हर महीने देखा जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं उसके डिमांड उतरता हुआ नजर देखते हैं आप? ग्रीन सिनेमा अवार्ड हम विजय पांडे जी एक एंडलेस सपोर्ट इन्वेस्ट किया है, उनका कंटिन्यूसली एक्सट्रीम एनर्जी हमने देखा है, रात दिन यहाँ हुआ भगदौड़ करके अरेंज किया है, तो विजय पांडे को हम थैंक यू देते और हम चाहते हैं नेक्स्ट ईयर इससे डबल ग्रो करें, अवार्ड और अवार्ड में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आना चाहिए, जैसा हम आए ऐसा सबको आना चाहिए। थैंक यू।